हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों का ये बढ़िया सा क्रिस्पी सा नाश्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैं आपको एक उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी। आज यही बनाएंगे हम बस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बाउल, और ये लेंगे हम रात के बचे हुए चावल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम जो बना रहे हैं वो रात के बचे हुए चावलों से बना रहे हैं अपनी डिश। ये एक कटोरी चावल बचा था मेरे पास, इसलिए मैंने वही लिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम दो बड़े साइज के उबले हुए आलू, जिसको मैंने हाथों की सहायता से अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, दो बड़ा साइज का आलू था मेरे पास, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी सामान ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुआ, और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास घर में सामान रखा हो वो ही आप डालिए। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है, प्याज और हरी मिर्च है, तो आप सिर्फ प्याज और हरी मिर्च से भी बना सकते हैं। क्योंकि आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ बचे हुए सामानों से ही बनाने जा रहे हैं, जो कि ईजिली सब लोग बना सकें। तो जरूरी नहीं आप मार्केट से खरीद के लाएं तभी बनाएं, तो आपके पास घर में जो भी रखा हो बस वही सामान से आप बनाकर तैयार कर लीजिए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो टेबलस्पून मैदा, और दो टेबलस्पून ही है अरारोट। दो दो टेबलस्पून मैंने लिए हैं। अगर आपको कम ज्यादा लगे तो आप इसमें और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप के आलू जो हैं गीले हैं तो आपको मैदा थोड़ा सा एक चम्मच ज्यादा लग सकता है, और अगर आपके आलू गीले नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं रखे रखे, तो वो एक चम्मच एक्स्ट्रा आलू में डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी एक टेबलस्पून सूजी, बारीक वाली सूजी है, थोड़ा सा धनिया, पिंच ऑफ हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च ली है मैंने, आप चाहें तो पीसी भी ले सकते हैं, आधा चम्मच ये है साबुत जीरा। जी हाँ, मैंने पिसा हुआ नहीं लिया है, साबुत जीरा लिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच से थोड़ी सी कम है काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच है यहाँ पर चाट मसाला। आप इसकी जगह पे आधा नींबू भी ले सकते हैं, या फिर एक चम्मच अमचूर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसमें डालेंगे आप एंड में स्वाद के अनुसार नमक, और इसको हाथों की सहायता से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। हाथ आपके एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बढ़िया से मैश करते हुए जाएंगे उसमें। परफेक्ट, ये देखिए कितना बढ़िया सा डो बनके तैयार हुआ है। सब चीज हमारी इसमें परफेक्ट डली है, आलू हमारा बिल्कुल भी गीला गीला नहीं है, या फिर बैटर जो हमने डो बनाया है ये भी बिल्कुल गीला नहीं है, एकदम बढ़िया है। तो मेरे को तो इसमें मैदा और डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका थोड़ा चिपचिपाए या फिर थोड़ा गीला लगे, तो आप इसमें एक या दो टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डो तो हो गया है तैयार एकदम बढ़िया से। इसको कर देते हैं हम साइड में, और एक प्लेट लेंगे और हाथों को अपना थोड़े सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि आलू जो है हमारे हाथों में
चिपके ना। और इसके हम एक पोर्शन देंगे इस तरीके से और राउंड करते हुए इसको हम छोटे छोटे इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, गोल दीजिए, इस तरीके के लंबे में दे दीजिए, या फिर चकोर में कर दीजिए, कोई भी शेप इसको आप दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से लंबे में इसको रखा है। बस मैं सारे इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। या फिर आप इसको गोल एकदम छोटा साइज का होता है ना नींबू जैसा, वो भी कर सकते हैं आप इसको। चलिए इसी तरीके से हम लोग सारे तैयार कर लेते हैं। तो ये बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं और ये आधा बैटर मेरा बच गया है, तो इसको मैं बाद में बना करके तैयार कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको फ्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से मीडियम गर्म है, यानी ज्यादा गर्म नहीं है, और फ्लेम को हल्की से हम कम करेंगे और ये एक एक पीस उठा के डालते रहेंगे। एक बार में जितने पीस आ जाए आप उतने डालिए आराम से। एक मिनट हो चुका है, आइए पलटते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया एक साइड से, दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। मुझको एक से डेढ़ मिनट लगा है एक साइड फ्राई करने में। तो आइए फिर से चेक कर लेते हैं। वाओ कितना प्यारा कलर आया है देख सकते हैं आप। और इसको हम निकाल लेते हैं, लग रहे हैं ना कितने बढ़िया, कितना प्यारा कलर आया। इसी तरीके से हम लोग अपना सेकंड बैच भी डाल के तैयार कर लेंगे। बस आप इसको जब तक ना छेड़िएगा जब तक एक से दो मिनट ना हो जाए, और अगर आपका मैदा इसमें अच्छे से नहीं बाइंडिंग हुआ होगा तो ये आपके तेल में जाते ही घुल सकते हैं या फिर टूटकर बिखर सकते हैं, तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। और आप जब भी इसको छेड़ेंगे तो कम से कम एक से डेढ़ मिनट बाद ही आप इसमें कड़छुली अपनी डालिएगा तेल में, उससे पहले आप नहीं छेड़िएगा। आइए एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको सिर्फ हल्का हल्का इसको पलटना है और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आइए चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, कितना प्यारा कलर आया है। गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर के मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें, अगर इसको ज्यादा क्रिस्पी चाहते हैं, वैसे तो गर्म गर्म अगर आप खाएंगे तो ये परफेक्ट है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और आपको क्रंची दोनों ही लगेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और अगर आप थोड़ी देर बाद खाना चाहते हैं तो इसको हल्का ब्राउन कलर दीजिए पहले, और फिर जब भी आप खाने बैठे तब इसको दोबारा से गरम गरम तेल में एक बार फिर से फ्राई कर लीजिए, तो ये डबल क्रंची हो जाएंगे। तो चलिए इसकी कर लेते हैं हम बढ़िया सी प्लेटिंग। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बचे हुए चावलों का एक बढ़िया सा नाश्ता। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी भी है, मैं आपको चेक कराती हूँ, लग रहा है ना कितना बढ़िया, और क्रिस्पीपन भी बहुत बढ़िया है।
और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी खाना है या फिर आप उसको थोड़ी देर रख कर बाद खाएंगे तो एक बार और इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको लाल चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके साथ खाएंगे, लेकिन जब भी खाएंगे ना तो जायका अपने घर को जरूर याद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।